सेंस ये जो ड्रेप है ना, दिस हेल्प्स यू लुक स्लिमर ऑल्सो. तो अगर आप यू नो थोड़े से जो आपका अराउंड द वेस्ट होता है वहां से आप थोड़े से हैवी हो, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस. गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं अनुष्का. बहुत प्यारा वाला स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर. सो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद वन अनदर ड्रेप ऑफ साड़ी दैट आई वांटेड टू शो यू गाइज, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स ये ड्रेप. एक्चुअली आजकल ना मेरे घर में शादी की बातें बहुत होती रहती है, क्योंकि मेरे रियल ब्रदर की शादी है, फिर उसके एक वीक के बाद ही मेरी कजन की शादी है. सो यू नो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या पहनना है, कौन सा ड्रेप करना है. सो देन इट केम अक्रॉस माय माइंड कि देखो शादी के जो बाकी फंक्शंस होते हैं ना, आप उसके लिए बनारसी साड़ियां पहनते हो, या लेडी संगीत का फंक्शन है तो आप लहंगा पहनोगे एंड ऑल दैट. बट आई थॉट कि अगर किसी के यहाँ पे कॉकटेल का फंक्शन है एंड यू वांट टू लुक अ लिटिल डिफरेंट एंड क्लासी, तो ये जो ड्रेप मैं आपको आज बताने वाली हूँ ना, ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं पर्सनली इसको शादी के किसी ना किसी इवेंट में तो जरूर यू नो यूज करने वाली हूँ. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आज का ड्रेप क्या है. सो आज का ड्रेप जो है फ्रेंड्स, उसको मैंने नेम दिया है कॉकटेल ड्रेप. बट अगर आप चाहो तो आपके जिस भी साड़ी मटेरियल के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से ये मैच कर रहा है, यू कैन वेयर इट टू पार्टीज, यू कैन वेयर इट टू कॉकटेल पार्टीज, यू कैन वेयर इट टू संगीत ऑल्सो, डिपेंडिंग आपकी साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन कैसा है. बट आई थिंक इट विल बेस्ट फिट इन अगर आप कहीं पर इवनिंग पार्टीज के लिए जा रहे हो या कॉकटेल्स के लिए जा रहे हो. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स जो आपको इस ड्रेप के लिए याद रखनी है, वो ये है कि आप किस तरीके की साड़ी पर ये ड्रेप जो है यूज कर रहे हो. मुझे जो सबसे सिंपल लगा इस ड्रेप का, एक जो कहते हैं ना कि जो लुक था ड्रेप का वो अच्छे से आया, सो दैट ऑलवेज केम ऑन क्रेप साड़ीज, या फिर शिफॉन जॉर्जेट की साड़ीज, या फिर नेट की साड़ीज. उसके अलावा यू नो आई ट्राई डूइंग इट ऑन सिल्क साड़ी ऑल्सो, बट जो फिनिश होती है ड्रेप की वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी. तो अगर आप कोई इस तरीके की साड़ी यू नो पहनने वाले हो, या फिर आप कोई ओवरऑल सेम प्रिंट की साड़ी पहनने वाले हो, सो दिस ड्रेप इज गोइंग टू गिव यू दैट लुक. तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं वीडियो की. एंड इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो. प्लीज 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 शेयर इट एज मच एज यू कैन. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांट यू टू कीप रेडी बिफोर वी स्टार्ट विद दिस ड्रेप. सो फर्स्ट थिंग इज योर साड़ी. आपके पास साड़ी होनी चाहिए. टू गिव इट अ बेटर यू नो एनहेंस्ड लुक, मैं इस तरीके की वेस्ट बेल्ट का आज यूज कर रही हूँ. सो दिस आई बॉट, आई थिंक शायद मैं गुजरात गई थी बहुत टाइम पहले अब से, एंड उस टाइम पे ना वहाँ नवरात्रे चल रहे थे, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ ज्वेलरी, सो आई बॉट इट फ्रॉम देयर. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर दीज काइंड ऑफ चेन्स, यू नो यू गेट इट ऑनलाइन आप चाहो तो. फाइनली डिसाइड किया कि आई विल वेयर स्टोन इयर रिंग बिकॉज आई शो यू माई साड़ी फर्स्ट. आप देख सकते हो कि ये जो मेरी साड़ी है ना, दिस इज माई प्योर शिफॉन की साड़ी, और इसके ऊपर ये दिस सीक्वेंस वर्क हैज बीन डन. दिस आई गॉट डन फ्रॉम बरेली. इफ यू गाइज वॉन्ट टू सी मोर ऑफ माई कलेक्शन तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी वीडियो का, एंड आई थिंक आपको सजेस्टेड वीडियोज में भी मिल जाएगा. सो यू कैन गो एंड सी वॉट काइंड ऑफ साड़ीज यू कैन गेट डिजाइन फॉर योर सेल्फ. एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस हैज बीन डिजाइन बाय माई ममा. ओके, सो हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स इयररिंग्स की. सो टूडे आई जस्ट शो यू वन सेकेंड. आई एम गोइंग टू वेयर दीज इयररिंग बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये मेरी साड़ी के साथ में बहुत अच्छे से जाने वाले हैं. एंड एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी डन माई मेकअप ऑल्सो, सो यू कैन सी माई आई मेकअप. एंड इफ यू गाइज वॉन्ट अनदर मेकअप वीडियो, डू लेट मी नो अबाउट इट बिकॉज मैंने आज ना मेकअप अपने आप किया एंड आई हैव यूज्ड अ वेरी सिंपल ट्रिक, सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक अ वीडियो फॉर दिस. तो चलिए फटाफट से आप देख लेते हैं कि साड़ी को हमें ड्रेप कैसे करना है. साड़ी के लिए आप लोग सी टुडे बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस एंड मैं आपको सिखा रही हूँ, सो आई एम वेयरिंग अ जेगिंग्स और उसके साथ मैंने ही अपना पेल्पम टॉप पहना है. बट इफ यू गाइज वॉन्ट तो आप सेम साड़ी का जो ब्लाउज है आप वो भी पहन सकते हो, बट आई थिंक इसके साथ मैं स्टाइल करूंगी सो इट्स गोइंग टू कम आउट रियली नाइस. सो यू कैन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट थिंग्स बट डोंट एक्सपेरिमेंट इट ऑन जेगिंग. आई एम यूज टू इट बट यू गाइज शुड डू इट ऑन योर पेटीकोट. सो फ्रेंड्स द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज वील फाइंड आउट कि हमारी साड़ी का पल्लू किधर है और किधर से हमें इसको बांधना शुरू करना है. सो यू कैन सी इट्स अ ब्यूटिफुल साड़ी और पूरी पे इस तरीके का ना जाल है. तो चलिए वी विल फर्स्ट मेक आर बेसिक टक. व्हेनेवर यू वेयरिंग अ साड़ी एज आई ऑलवेज टेल यू व्हाटएवर यू नो फुटवेयर यू वांट टू वेयर विद द साड़ी, आप उसको पहनने के बाद ही अपना साड़ी को ड्रेप करना स्टार्ट कीजिए, नहीं तो साड़ी यू नो ऊपर नीचे हो जाती है एंड देन यू डोंट गेट दैट फील. सो इस तरीके से यू हैव टू मेजर द लेंथ की कितनी आपको लंबाई रखनी है एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड और टक करके आपको जो बेसिक टक होता है दैट यू हैव टू मेक. सो यू विल टेक अ राउंड like this and you will tuck it from here.
I'm going to make my pleats. Okay? I'm going to measure it till here. And you can then start making it. So, 1, 2, 3, 4 and 5. So I've made maximum 5 pleats. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पल्लू में मुझे ज्यादा उनकी जरूरत पड़ेगी. So bringing all of them together. Just look how it is coming nicely. And then you need to tuck it in here. What you need to do is, usually we bring our pallu like this, right? But today, we are not going to bring it from here like this. We are going to put it like this, okay? So I will quickly make my pleats now. Can you see the way it is coming from here? And you have to keep it a little longer. So if you want, आप यहीं पर इस ड्रेप को रोक सकते हो एंड यू कैन सिंपली पुट अ वेस्ट बेल्ट या नहीं लगाना चाहते हो इवन देन इट इज़ कम्प्लीटिंग द लुक आई गेस. यू कैन कैरी दिस विद अ क्लच बैग ऑफ योर्स और बहुत ही अच्छा लगेगा. हाउएवर अगर हम आज वाले ड्रेप की बात करें तो उसके लिए इस तरीके से आपको अपना पल्लू यहाँ से उठाना है एंड यू हैव टू रैप इट अराउंड योर वेस्ट एंड आप इसको यहाँ से निकाल करके साइड में लेकर के आओगे. तो इसको थोड़ा सा आपको खींचना है एंड इफ़ यू रिमेंबर जब हमने पल्लू डाला था शोल्डर पे तो एक गैप रह गया था, उस गैप के बीच में से आप इसको निकाल के लाओगे और उसके बाद आप इसको अच्छे से टाइटली यू नो स्ट्रेच करके इस तरीके से अपनी प्लीट्स के पास लेकर आओगे. सो इफ़ यू वांट आप एक पिन की हेल्प से इसको यहाँ पे टक इन कर सकते हो या फिर अगर आपको पिन नहीं यूज़ करना है सो यू कैन टेक इट अ लिटिल लॉन्गर एंड जस्ट टक इन लाइक दैट एंड दैट विल कम्प्लीट योर लुक. तो आप देखोगे कि जैसे ही आप टक करोगे ना यू विल सी दैट देर आर ड्रेप्स कमिंग फ्रॉम योर राइट हैंड साइड फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड. इसीलिए इस ड्रेप को कुछ लोग इन्फिनिटी ड्रेप के नाम से भी जानते हैं. सो दिस हैज़ कम्प्लीटेड माई लुक. हाउएवर To enhance it more, मैंने जैसा आपको वीडियो के शुरुआत में दिखाया था मैं इस वेस्ट बेल्ट का यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ. इससे ये लुक ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है. सो यू कैन एक्सपेरिमेंट इट विद डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट बेल्ट. आप थोड़ा फैंसी वेस्ट बेल्ट लगा सकते हो. यू कैन ऑल्सो सी दैट इट इज़ गिविंग यू अ परफेक्ट शेप फ्रॉम द बैक. इन फैक्ट वॉट आई फील इज़ कि अगर आप लोग वेस्ट बेल्ट नहीं लगाना चाहते हो तो अपने पल्लू में मत लगाओ जो बैक फॉल आ रहा है, बिकॉज दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस ड्रेप. सो इफ़ यू आर पुटिंग द वेस्ट बेल्ट यू कैन पुट इट दिस वे. आपके हैंड्स तो फ्री रहेंगे ही, साथ ही में जो साइड वाला फॉल है साड़ी का वो भी बहुत प्रोमिनेंट रहेगा. सो दिस इज गिविंग अ मच बेटर लुक. तो आप इसको हॉल्टर ब्लाउजेस के साथ ट्राई कर सकते हो. यू कैन ट्राई इट विद बैकलेस ब्लाउजेस ऑल्सो इफ यू हैव योर स्लीवलेस ब्लाउजेस. सो यू नो डिफरेंटली यू कैन एक्सपेरिमेंट इट. यू कैन यूज फैंसी ज्वेलरी ऑन दिस एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी ब्यूटिफुल लुक. सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ये ड्रेप अच्छा लगा होगा. इसको ट्राई जरूर कीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू पोस्ट योर फोटोग्राफ्स टू मी. आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हो. द लिंक इज राइट बिलो. यू कैन गो टू माई आईडी एंड बिकम अ फॉलोअर बिकॉज आई कीप पोस्टिंग अ लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स देयर. चलिए मिलूंगी बहुत जल्द मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में विद वन मोर इंटरेस्टिंग ड्रेप और अ मेकअप वीडियो. तब तक आप इस ड्रेप को ट्राई कीजिए. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून टू अनुष्का. बाय बाय एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल.